खेल खेल में एक बहुत ही अनोखा शो है। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स पर आधारित शोज बहुत कम आते हैं टीवी पे। हम डेफिनेटली मैचेस देखते हैं, कॉम्पिटिशन्स देखते हैं, लेकिन शो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने वाले शोज बहुत कम आते हैं टेलीविज़न पे। ये एक टेलीविज़न शो है जिसमें आम आदमी भाग लेता है। इसके जरिए हमारे पब्लिक को बताया जा रहा है कौन से स्पोर्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रस्तुत हैं, उनके रूल्स क्या हैं। खेल खेल में एक बहुत ही अलग शो है। हम उससे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कोई खेल इतना मुश्किल नहीं है। ये एक हमारी कोशिश है कि हम खेलों को थोड़ा सा प्रोत्साहन दें जिसमें जो आम ऑडियंसेस हैं खेलों के बारे में जानें। मिलिंद सोमन एक एंकर कर रहे हैं, खुद स्विमर रह चुके हैं, ऑफकोर्स मॉडलिंग और फिल्म के सितारे हैं, और एक स्पोर्टिंग पर्सनालिटी के साथ वार्तालाप किया जा रहा है जिसमें वो स्पोर्ट के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी ले सकें। दूरदर्शन ने ये शो कमीशन किया है लोगों तक स्पोर्ट्स पहुँचाने के लिए कि इस तरह के स्पोर्ट्स कॉमनवेल्थ गेम्स में खेले जाने वाले हैं। हमारा मकसद इस शो के जरिए यही है कि हम लोगों तक पहुँचा सकें कि स्पोर्ट्स के रूल्स, स्पोर्ट्स की खूबियाँ, ये सारी चीज़ें एक अलग ढंग से। इस शो के थ्रू मेरी ये कोशिश है मनोरंजन, थोड़ी सी जानकारी और सेलिब्रिटी जो हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं लोगों को, बिकॉज दे आर रोल मॉडल्स, आइडल्स होते हैं। लोग जब सेलिब्रिटी कुछ कहते हैं तो सुनते हैं, तो इस शो में सब कुछ है। रियलिटी इसलिए क्योंकि आजकल रियलिटी टेलीविजन का ज़माना है। इनके रूल्स ऐसे हैं, इनमें से इनमें खिलाड़ी इस तरह के हैं, अच्छे खिलाड़ी ये हैं, कैंप्स में किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। तो इससे दो फायदे हैं कि आम जनता ये समझ सकती है इजी टू पिक अप एनी गेम, क्योंकि स्पोर्ट ज़रूरी है। आजकल के बच्चे कहीं खेलते नहीं हैं, या तो क्लब्स जाते हैं या इंटरनेट या काउच पोटैटोस टीम के साथ। हमारे शो के तीन एस्पेक्ट्स हैं। पहले है जहाँ मेरे को एंकर मिलिंद जी, स्टूडियो में हमारे जो सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स स्टार्स हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनका अनुभव हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। और एक और एस्पेक्ट है जहाँ हम जो हमारे कॉमनवेल्थ के प्रोबेबल्स हैं उनकी तैयारी दिखा रहे हैं। इसमें एक रियलिटी सेगमेंट भी है जिसमें 8 नौजवान अलग अलग स्पोर्ट्स में कम्पीट कर रहे हैं। उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो रेसलिंग भी कर रहे हैं, वेटलिफ्टिंग भी कर रहे हैं, बॉक्सिंग भी कर रहे हैं, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं, स्विमिंग भी कर रहे हैं। हर स्पोर्ट वो लोग कर रहे हैं, हर स्पोर्ट में कम्पीट कर रहे हैं। मैं तो एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के रूप से आया हूँ, तो बस इस शो के थ्रू मेरी यही कोशिश है कि एक भरपूर मनोरंजन से भरा हुआ पर इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम सब कुछ मिले। ये एक डेफिनेटली बहुत ही अनोखा शो है। इस तरह का शो कभी इंडिया में हुआ नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। और ये सब होगा यूं ही खेल खेल में।